मुलीगन थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 1 रतन पट्टी मोड़ के समीप का है, जहां एक सड़क किनारे खेत में धान का रोपण कर रही कुछ महिलाओं का खाना लेकर रतन पट्टी वार्ड नंबर 2 निवासी पवन दास की 13 वर्षीय पुत्री विभा कुमारी खेत में पहुंची। खाना रखकर विभा बगल के खेत में मोटर से जुड़ा पाइप को समेटने के लिए चली गई। इस दौरान वहां लगे बिजली के खंभे में पहले से टूटे व हाई टेंशन वायर की करंट की चपेट में आकर वह बुरी तरह झुलस कर खेत में ही गिर पड़ी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिजली के पोल पर लगा हुआ 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार पोल पर ही टूटकर लटका हुआ था, जिसके कारण ये घटना हुई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार बिजली ऑफिस में फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया गया और बार बार फोन करने पर JEE ने भी फोन नहीं उठाया। लोगों ने बताया कि कुछ समय बाद जब फोन बिजली विभाग के द्वारा उठाया गया तो तुरंत बिजली नहीं काटी गई, जिसके कारण ये घटना हुई। बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुरलीगंज बिहारीगंज NH 91 को जाम कर यातायात को घंटों बाधित रखा। घटनास्थल पर पहुंची मुरलीगंज अंचल अधिकारी आशा कुमारी, CEO किसलय कुमार एवं थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने मिलकर घटनास्थल का जायजा ले तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर तथा बिजली विभाग के द्वारा इस लापरवाही में शामिल दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए स्थानीय लोगों को समझा बुझा कर जाम को खत्म कराया और मृत युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोटर लागल रहे कलकर मोटर ये सब पटा देवे खेत कटवाया खातिर वो आने तो देखे के लिए हम कल ये घास लगे रहे थे अब वो है लाइन लग कर कहे भाई अति भाग गए खत्म भाग गए। की नाम रे बच्चा के? विभा कुमारी। बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या मामला हुआ? हमारी भतीजी बिजली के करंट से मृत्यु। कै बजे की घटना? 2:15-17 क्या कर रही थी? मजदूर का नाश्ता लेके खेत आ रही थी। तो ये तो बिजली के करंट से मरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिसमें 2:15 में हम बिजली विभाग को फोन भी किए, फोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद CEO को फोन किया, वो भी रिसीव नहीं किया। थाना प्रभारी को किया, उसके बाद DM को जब फोन किया तब वो आपको सूचना दिया। हर एक जगह तो यहाँ पर 11,000 के चपेट में आने से बच्ची का मौत हुआ है। रतन पट्टी वार्ड नंबर 2 का ये बच्ची है, पवन दास की बच्ची है। 11,000 के बिजली के खंभा के खंभा में भी लाइन है। 11,000 के चपेट में आने से इस बच्ची का मौत हुआ है। मधेपुरा बिहार से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।